पर। महाकुंभ में स्नान करने का विशेष महत्व क्यों है? त्रिवेणी संगम तो निरंतर हमें नित्य प्राप्त है, जब भी चाहे स्नान करें आए, किंतु ये महाकुंभ है, इसमें जितने भी दिव्य महापुरुष सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर से विविध रूपों में पधारते हैं। और कहते हैं ना, अमृत की वर्षा होती है, अमृत स्नान होता है, शाही स्नान, अमृत स्नान। अमृत स्नान क्या है? संतों के वचनों से जो दिव्य ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, वो परम पवित्र अमृत है। इसमें स्नान हमेशा नहीं मिलता। महाकुंभ तभी सार्थक है जब बड़े बड़े संत महापुरुष आवें और अपने वचनों से दिव्य ज्ञान की गंगा बहावें, और उस ज्ञान गंगा में भागीरथी गंगा के साथ साथ जब ज्ञान गंगा में हम गोता लगाते हैं, सत्संग के सरोवर में सराबोर होते हैं, तब शाश्वत रूप से हमारा अमृत स्नान सार्थक होता है। तो यहां पर संगम में गंगा यमुना सरस्वती का समावेश है। ऐसे परम पुनीत तीर्थराज प्रयाग में हम भागीरथी स्नान तो करेंगे ही, पर इसके साथ साथ जो सत्संग की गंगा बह रही है, उसमें भी भागवत की दिव्य ज्ञान गंगा बहेगी। इन समस्त गंगाओं में स्नान करने से हमारा महाकुंभ पर्व सार्थक होगा, क्योंकि गंगा जी में तो आप हम हर साल स्नान करते हैं, संगम में भी हर साल स्नान करते हैं, पर ये जो महाकुंभ है, जो हर साल महात्मा नहीं आते, वो इस पुण्य अवसर पर अवश्य पधारते हैं। जो दिखाई पड़ रहे हैं स्थूल देह से, वो तो प्रत्यक्ष महात्मा हैं, परंतु सूक्ष्म देह से भी अनंत महापुरुष जो नित्य शाश्वत रूप से विचरण करते हैं, अनेकानेक गिरि गुहाओं में छुपे हुए साधन करते हैं, वह भी सूक्ष्म शरीर से इस परम पुण्य अवसर पर पधारते हैं, जो इन चर्म चक्षुओं से हमें दिखाई नहीं पड़ते, परंतु नित्य जो इस पुण्य अवसर पर अवश्य पधारते हैं, और उनके श्री अंग का स्पर्श करती हुई वायु जब हमें छूती है, तो स्वभावतः हमारे भीतर एक दिव्य प्रेम का संचार होने लगता है, एक दिव्य आनंद का आह्लाद हमारे भीतर उत्पन्न होने लगता है। अपने आप ही सत्संग की गंगा में गोता लगाने का मन होने लगता है। जिस सत्संग में आने से हम लोग बहानेबाजी करते रहते हैं, क्या करेंगे, फिर कभी सुन लेंगे, परंतु जैसे दत्तात्रेय भगवान का चरित्र आप सुनेंगे और सुना भी होगा, ये गणिका वैश्या जिसका सत्संग से दूरों तक कोई संबंध नहीं होता, संत महात्माओं से उसका कोई संबंध नहीं, पर वह गणिका भी एक वैश्या भी प्रभावित हो गई। दत्तात्रेय जी उसे दिखाई नहीं पड़ रहे थे, दत्तात्रेय जी तो छुप करके देख रहे थे उसकी गतिविधि, क्या कर रही है। वो बनी ठनी सजी समरी बैठी है अनेक पुरुषों को, संसारी विषयी प्राणियों को रिझाने के लिए, परंतु कितनी देर हो गई उसे, सुबह से शाम और शाम से सुबह होने को आ गया, एक भी पुरुष उसके पास नहीं आया। थोड़ी भी आने की किसी की आहट होती है तो दौड़ती है, शायद कोई आ गया, बहुत प्रतीक्षा करी, कोई नहीं आया। ऐसे अवसर उसके जीवन में अनेकों बार आए होंगे, कोई आज ही नहीं आया, हमेशा थोड़ी लोग आते थे, कई बार ऐसे अवसर आए कि कोई नहीं आया, पर आज ही उसके हृदय में ये वैराग्य उत्पन्न हो गया कि इन हाड़ मांस के पुतलों के लिए मैं इतनी प्रतीक्षा करती हूँ, इतना सजती समरती हूँ, यदि मैंने इतनी प्रतीक्षा अपने प्यारे प्रभु के लिए की होती तो मेरे घर में आज परमात्मा आ जाते। ये भाव आज ही उस गणिका वैश्या के भीतर क्यों जगा? क्योंकि दत्तात्रेय जी महाराज छुपे हुए सब देख रहे थे और उनके अंग का स्पर्श करती हुई वायु उसको छू रही थी। तो महामुनि दत्तात्रेय जी के स्पर्श की हुई वायु ने जब उस गणिका वैश्या को स्पर्श किया, तो उसके भीतर भी वैराग्य का बीज अंकुरित होने लग गया।
तो जिसका दूर तक कोई संबंध सत्संग से नहीं होता, आज उस वैश्या के भीतर सत्संग के और वैराग्य के ये दिव्य भाव क्यों जागे? क्योंकि महापुरुष के अंग संग का स्पर्श वायु के माध्यम से हुआ। उसी प्रकार हम भले ही सत्संग में कभी श्रद्धा न रखते हों, भले ही साधु संतों में श्रद्धा न रखते हों, पर इस महाकुंभ के अवसर पर आने मात्र से जो सूक्ष्म शरीर से विचरण करने वाले वायुमंडल में जो संत महापुरुष हैं, उनका स्पर्श करती हुई वायु जब हमारे शरीर का स्पर्श करेगी तो निस्संदेह हमारे भीतर भी वैराग्य के, भक्ति के, ज्ञान के, विवेक के बीज अंकुरित होने लगते हैं और स्वभावतः भजन साधन करने की प्रवृत्ति हमारे भीतर प्रकट होने लगती है। बोलो राधे राधे। हे राधे। किसी के यहाँ चोरी होती है तो पुलिस वाले आते हैं, निरीक्षण परीक्षण करते हैं, कि उनके साथ में कुत्ता आता है, उसकी घ्राण इंद्रिय बड़ी सूक्ष्म होती है, बहुत तेज होती है। तो जो चोर चोरी करके चला गया, उसके शरीर की थोड़ी सी गंध और जिस वस्तुओं को छुआ उसने, उसमें भी उसकी गंध व्याप्त हो जाती है। उसी गंध के सहारे कुत्ता सूंघते सूंघते उस चोर तक पहुंच सकता है, पर हमको वो गंध समझ में नहीं आएगी। कुत्ते को भगवान ने ये स्पेशल घ्राणेंद्री दी है तो वो सूंघ लेता है। तो सोचिए जरा, कुछ पल के लिए चोर आया और चोरी करके भाग गया, फिर भी उसकी गंध छूट गई। तो इस महाकुंभ में महीनों तक जो तमाम महात्मा भजन साधन कर रहे हैं, अनेक सूक्ष्म देह से विचरण कर रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा जो स्नान करने आ रहे हैं, उनके शरीर की गंध से यहाँ के परमाणुओं में कितनी दिव्यता व्याप्त हो गई होगी। उन समस्त महापुरुषों के दिव्य गंध से जो हम, हमारा शरीर प्रभावित होगा, हमारा मन प्रभावित होगा, हमारी बुद्धि प्रभावित होगी, हमारे विचार भी प्रभावित होंगे। प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आंखों से हमें समझ में नहीं आता, हमारे अंदर यद बहुत हमारी इंद्रियों में सूक्ष्मता होगी तो उसका अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा अनुभव भले ही ना हो, परंतु जो वस्तु है, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखते। आपको उसका ज्ञान हो या ना हो, परंतु जो वस्तु में दिव्यता है वो तो अपना प्रभाव आपके ऊपर निश्चित रूप से डालेगी और आपके मन विचारों को निस्संदेह प्रभावित किए बिना नहीं मानेगी। इसलिए करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए इस पुण्य अवसर पर इसीलिए पधारते हैं। तो हम लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, भगवान की बड़ी कृपा है कि तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के इस परम पावन पुनीत अवसर पर संगम स्नान के साथ साथ भागवत की ज्ञान गंगा में भी आज से हम लोग डुबकी लगाएंगे। चारों तरफ सत्संग की गंगा बह रही है। बोलो राधे राधे, राधे, राधे।